Excuse me, sir. Yes. But what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral capacity? 100%? Yes. I have no idea. ओके सो हाय गाइस दिस इज गेमिंग प्रोफेशन एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिक्टली बात करेंगे नॉन जायरो यूजर्स के ऊपर एंड क्यों जायरोस्कोप जरूरी है अब इस टाइम पर जायरोस्कोप मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा जरूरी है तो अगर आप नहीं यूज़ करते हो यू शुड स्टार्ट यूजिंग इट बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वही है एंड सबसे ज़्यादा यू you नो know, फायदेमंद चीज़ आपको रहेगी आज आप बोलेंगे जेरोस्कोप पे हाथ नहीं बैठ रहा बट बाद में फायदेमंद बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग टू डू जो भी एंड सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी वीडियो एंड तक देखना बिकॉज इसमें बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें बताई जाएंगी एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं शर्मा नीचे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा वहां पर को डीएम कर सकते हैं कल मेरे को जायरोस्कोप का क्वेश्चन आया था सो मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ रहा हूं अब देखो ये चीज़ यू नो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी ज्यादा लोग नहीं मानते डिफॉल्ट थम पे लोग बोलें कि कुछ लोग डिफॉल्ट थम पे भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं कुछ लोग बोलेंगे कि अब जैसे कोई भी प्लेयर है कोई बड़ा प्लेयर है लोग बोलेंगे कि वो थम पे भी खेल के अच्छा खेल रहा है ऐसा क्यों यार एक बेसिक फीचर होता है एक बेसिक चीज होती है जो वो यूज़ कर रहा है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं सिंपल इज दैट नॉर्मल अगर आप गन को चलाओगे तो गन का रिक्वल कंट्रोल करना नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बट जितने भी जेरोस्कोपी प्लेयर्स होते हैं बहुत आराम से एकदम मतलब चुटकियों में बोलते हैं जैसे वैसे यूज करते हैं जेरोस्कोप एंड बहुत आराम से उनका गेम प्ले निकल कर आता है यार इट्स फॉर अ रीजन फॉर अ बेसिक रीजन जो वो करते हैं जेरोस्कोप का, का इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर तरीके से जेरोस्कोप यूज करते हैं उनको पता है बोली on थी कि जेरोस्कोप का यूज करते हुए एक थम प्लेयर भी थ्री फिंगर फोर फिंगर क्लॉथ जैसे क्लचेस निकाल सकता है दैट इज ट्रू बिकॉज जायरोस्कोप आपको एक एडवांटेज दे रहा है एंड इफ़ यू आर नॉट यूजिंग जायरो तो मैं आपको बताता दूँ अगर आप पे एंड्रॉयड फ़ोन है जो जायरोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करता बिकॉज तो सब आईफोन्स में जायरोस्कोप होता है ट्राई एंड डाउनलोड अ कस्टम रोम बट देखियो देखो कस्टम रोम को डाउनलोड करने में आपकी वारंटी वर्ड होती है ये चीज़ आप लोगों को आई गेस पता होगी बट जायरोस्कोप के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कोरा पे भी इसके पेजेस एंड ऑल मिल जाते हैं जिस पर जायरोस्कोप के पबजी मोबाइल को लेकर के बहुत एडवांटेजेस हैं आप चाहते हो तो मैं इन चीज़ों को भी नीचे लिंक कर दूंगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है यू नॉर्मली पीपल डोंट नो वट जेरोस्कोप इज एंड साइंटिफिक टर्म के हिसाब से बताता हूँ uh, तीन तरीके की डायरेक्शन होती हैं रोल पिच एंड यो सो रोल इज द मूवमेंट एंड पिच इज अ मूवमेंट यो इज अ मूवमेंट जो कि आपका फोन करता है एक्स वाई और जी एक्सिस में जैरोस्कोप उन तीनों कंबाइन करके आपके फोन की मूवमेंट आप उसको फोन को ऊपर को मूव करोगे नीचे को मूव करोगे जैसे भी आप फोन को मूव करोगे वैसे वैसे आपका जेरोस्कोप मूव करता है वैसे वैसे आपका एम इम्प्रूव होता है आपको रिकॉयल कंट्रोल करने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ जायरोस्कोप की जरूरत पड़ेगी अब देखो मेरे को पहले से पता था बंदा बाहर निकल रहा है तो मेरे को पता है उसको उसको कैसे लेकर जाना है जो मूव एंड जिकल होता है थोड़ा सा यू नो मूव एंड शूट होता है वो आप जिकल कर सकते हो ईजिली जायरोस्कोप इस्तेमाल करते हो आपको सिर्फ मूवमेंट पर ध्यान देना है रिकॉयल आपका फोन देख लेगा सो अगर आपको जायरोस्कोप एंड्रॉइड में चलाना है इट्स एन इजियर थिंग जो कि मैं कह रहा हूँ कस्टम रोम डाउनलोड कर सकते हैं कस्टम रोम की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी बट हाँ मेक श्योर कि आप वही कस्टम रोम डाउनलोड करो जो आपके फोन पर सपोर्ट करे ऐसे कोई भी कस्टम रोम सपोर्ट नहीं करेंगे गेम एज वेल तो आपको समझना पड़ेगा कैसे और क्या चीज होता है गेम में सो so, वो चीज आप कर सकते हैं बट न बदल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज खराब लगेगा खेलना कल खराब लगेगा आपको आपसे फोन अपना हैंडल नहीं होगा बट जब फोन आप हैंडलिंग करना शुरू करोगे आपका गेम बहुत बढ़िया निकलेगा यार कंपिटेटिव प्लेयर्स बहुत लोग जायरोस्कोप क्यों यूज करते हैं क्यों प्रेफर करते हैं कॉज उनको पता है मूवमेंट प्रिसाइज होता है एम 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 होता है मूवमेंट फास्ट होता है बहुत से लोग आप देखते हो गए कोई स्कोप मारते हैं ऐसे नहीं मार सकते कोई स्कोप मारने के लिए आपको अपने एम को प्रॉपर एक अच्छे तरीके से रखना पड़ता है यू नीड टू हैव दैट क्योंकि रिक्वल आपका आप रिक्वल कंट्रोल नहीं कर रहे हो आप सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट कंट्रोल कर रहे हो और मूवमेंट आपका ईजिली कंट्रोल हो जाएगा उस चीज के कारण सो कीजिए उस चीज को जितना ज्यादा बढ़िया तरीके से आप कर सके उतना ज्यादा बढ़िया होगा आपके गेम के लिए आपके एम के लिए कॉज वो मैटर करेगा सो ट्राई कीजिए अगर आप नहीं यूज़ करें यू आर मिसिंग आउट ऑन द बेस्ट थिंग दैट देयर इज एंड दैट इज़ जायरोस्कोप सो ट्राई एंड गेट दैट डन इफ एनी थिंग बिकॉज अगर आपने वो नहीं किया है अगर आपने जायरोस्कोप ऑन नहीं किया है तो एक ही चीज़ होगी आप एक ही चीज़ को लेकर बैठे रहो कि हम हम खेलते अच्छे हैं बट हमारा डिवाइस ये नहीं कर रहा डिवाइस वो नहीं कर डिवाइस कुछ डिवाइस में जायरो होता है बट प्लेयर्स उसका पोटेंशियल नहीं निकाल कर लेकर आ रहे हैं थोड़े दिनों के लिए गेम ख़राब होगा टाइम तो के लिए गेम यू नो नीचे जाएगा बट वंस यू आर यूजिंग इट वंस यू आर नोइंग इट तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप से यू नो आपकी मूवमेंट रहती है आपकी मूवमेंट फास्ट होती है जायरोस्कोप थ्री हंड्रेड सेंसिटिविटी मीन्स फास्ट मूवमेंट देखो सेंसिटिविटी की एक बात मैं बताता हूं और ये बहुत कम लोगों को पता है लो सेंसिटिविटी मीन्स एक्यूरेसी हायर सेंसिटिविटी मीन्स फास्टर रिफ्लेक्सेस बट जायरोस्कोप विद हायर सेंसिटिविटी मीन्स बोथ क्योंकि आप एक्यूरेटली यू नो जब आपने किसी चीज़ को देख लिया आप मूवमेंट जल्दी कर सकते हो यहाँ से आप अपने स्कोप्स जल्दी खोल सकते हो एंड एक्यूरेसी के लिए आपके फ़ोन को आप जितना कंट्रोल करोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट वो रहेगा एडीएस में लो ए डी एस इज़ लाइक गुड एक्यूरेसी कैमरा सेंसिटिविटी में लो कैमरा सेंसिटिविटी इज लाइक गुड कैमरा सेंसिटिविटी विद एक्यूरेसी बट हायर जायरोस्कोप मीन्स बोथ तो आपको दोनों चीज़ें बेस्ट तरीके से मिलती हैं जब आप जायरोस्कोप का इस्तेमाल करते हो बिकॉज दैट इज़ यू नो काइंड ऑफ नीडेड जब आप कंपिटेटिव खेल रहे हो आपके सामने प्लेयर्स आ रहे हैं आप पूरी पूरी फाइट ले रहे हो एकदम एक एक से फाइट नहीं ले सकते आपको पूरा एक आ, सिनेरियो देखना पड़ता है कब आपके अगेंस्ट बंदे हैं किधर मूव करना है कैसे मूव करना है कब बंदे डाउन करने हैं हर एक चीज उसमें मैटर करती है जैसे अब यहाँ पर बंदे थे यहाँ पर मैं डाउन हूँ ये मेरी गलती थी कि गाड़ी यहाँ पर रोकी मैंने बट चीज़ वही आती है आपको प्लेयर्स देखने हैं किधर देख सकते हो स्पॉट कर सकते हो एंड जब जब आप स्पॉट करोगे तब तक आप उनको डाउन कर पाओगे सो ईजी हो जाता है आपके लिए गेम निकालना आपके लिए एक तरीके से यू नो गेम समझना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ईजी हो जाता है एंड वो होना चाहिए उसके बिना आपका गेम आप नहीं बना पाओगे यू नीड टू लर्न कैसे प्लेयर्स को स्पॉट करना है कैसे प्लेयर्स पे शॉट लेना है कॉज अगर आप ये चीज लर्न नहीं कर रहे हो तो आप ही के लिए खराब होगा सारा का सारा सिनेरियो यहां पर मैं उधर वाले को मार रहा हूँ तो साइड वाला मेरे को मार रहा है वो मेरे को देखना है आपको अपने सराउंडिंग्स का अवेयर जरूर रखना है बट एक चीज सबसे ज्यादा जो मैटर करती है वो है कि आपके रिफ्लेक्सेस आपको कैसे बढ़ाना है नॉर्मली लोग आप फोर फिंगर भी कर लोगे फाइव फिंगर भी कर लोगे लेकिन उनके साथ जब जब तक आप वो एक एक फुल फ्लैच प्रॉपर सेटिंग नहीं रखोगे तब तक फायदा नहीं होगा आपको ठीक है वो फायदा एक ही चीज़ से आप लेकर आ सकते हो और वो फायदा तभी आएगा जब जारोस्कोप को पूरा प्रॉपर इस्तेमाल करोगे अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया ऐसे करके देन यू आर मिसिंग आउट ऑन दैट कॉम्पिटेटिव थिंग Uh, जितने प्लेयर्स आप किसी एक प्लेयर का नाम ले लो जो जाये उसको बहुत कम आई नो गोडल हस्तर है नहीं यूज करता जाए उसको बट स्टिल ही नोज हिज गेम उसको पता है कि उसका फोर फिंगर बढ़िया है बट ही ट्राइड इट एंड ही सेड कि हाँ रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं बट ही इज नॉट रेडी फॉर इट क्योंकि उसका गेम प्ले अभी वो हैम्पर नहीं करना चाहता बट अभी जो लोग कॉम्पिटिव का सपना लेते हैं जिनको अपना गेम प्ले को थोड़ा सा इंप्रूव करना है वो चल सकते हैं इस चीज़ पर जार्जकोप को एकदम से स्टार्ट कर सकते हैं दे कैन गो फॉर इट देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स लाइक ईच एंड एवरी प्लेयर दैट देयर इज जार्जकोप यूज़ करता है जार्जकोप इज लाइक आपका फोन एक तरीके से माउस बन जाता है आप दोनों हाथों से अपने फोन को पकड़ रहे हो सो यू हैव लाइक हंड्रेड परसेंट कंट्रोल ओवर योर एम ओवर योर मूवमेंट ओवर योर यू नो साइड टू साइड हर एक हर एक टाइप का जो भी चीज़ होता है वो आप आराम से कर सकते हो सो so, ये सब चीज़ें मैटर करते हैं बट इसके अलावा एक चीज हजार उसको के कुछ नुकसान भी हैं आपको बैठ कर खेलना पड़ेगा लेट कर भी आप खेल सकते हो बट इट्स लाइक राइट पॉस्चर इज नीडेड सो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट वो इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट आई गेस येस यू यू कैन यू नो गो फॉर ईजी जैरो एंड एवरीथिंग सो अगर आप वो चीज़ कर रहे हो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको किसी भी टाइप से uh, गेम को निकालने में बिकॉज आपके लिए पॉस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा उस टाइम एंड अगर आपने पॉस्चर वो सही बना लिया अपना फिर आपका गेम बन चुका है लाइक नो नीड नो इशूज ऑफ एनी थिंग एंड एवरी थिंग सो लाइक यू नो दैट थिंग एंड दैट इज़ लाइक एन इंपॉर्टेंट थिंग सो एडवांटेजेस हर चीज़ के हैं इस गेम में डिसएडवांटेजेस हर सी हर चीज़ के हैं बट जैर उसको पकेली ऐसी चीज़ है जिसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं एंड डिसएडवांटेजेस कंपेरेटिवली हल्के फुलके कम है सो so, वो चीज़ आप हमेशा यू नो अपने माइंड में रख सकते हो एंड आप देख सकते हो कैसे आपको आ, गेम निकालनी है कैसे आपको अपना बिकॉज ग्राइंड इंपॉर्टेंट है यार इस गेम में बिना ग्राइंड के कुछ नहीं होने वाला यू हैव टू शो टू अदर पीपल दैट यू आर बेटर देन देम एंड कैसे दिखाओगे प्लेन में आरपी वाले बंदे को गालियाँ देख नहीं दिखा सकते कि आप उनसे बेटर हो ठीक है गेम खेल कर दिखा सकते हो गेम में उनसे जीत कर दिखा सकते हो और जीतने के लिए गेम खेलना पड़ता है जीतने के लिए ग्राइंड करनी पड़ती है जीतने के लिए कभी भी और ये फालतू की बकवास नहीं चलती की के पीछे बैठ ये चीज़ आपको हमेशा के लिए यू नो जाननी है सो एक छोटी सी वीडियो जारस्कोप के ऊपर अगर पसंद है तो यार लाइक करना शेयर करना आलसी का नेक्स्ट वीडियोस, स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय